आज की हमारी मूवी का नाम एडल्टरस 2015 की एक थ्रिलर मूवी है। एक ट्रू स्टोरी पर भी बेस्ड है। इसके लास्ट में भी एक बड़ा सा ट्विस्ट है। मूवी में कुछ चीज़ें आपको गलत लग सकती है, पर लास्ट के ट्विस्ट की वजह से ये मूवी वर्थ इट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सैमुअल, इसे हम देख सकते हैं। ये अपनी वाइफ एशली के साथ बात कर रहा है। आज इनकी एनिवर्सरी है। एक अच्छे से होटल में वो जाने वाले थे। अचानक से सैमुअल के बॉस ने उसे बताया कि उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसी वजह से इनका सब प्लान चौपट हो गया। होगी अगर तुम तब भी सोई हुई नहीं होगी तो फिर हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद सैम को हम काम पर देखते हैं। काम पर उसके एक कोवर्कर है जिसका नाम है लोला। लोला को उसका बॉस हमेशा उसके ऑफिस में ही रखता है। सैमुअल लोला से कहता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए ये सब वो कर रहा है। सैमुअल ने फिर एक फ्लोरिस्ट को कॉल लगाया, अपनी वाइफ के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स भेजने वाला है। लोला ये सब सुन रही थी तो उसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब मैं आपको जो भी सब बातें बता रहा हूँ ये मूवी के एंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ठीक से याद रखिएगा। सैमुअल एक सुपर शॉप में हेल्पर है। यहाँ पर एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जिसे वो कुछ बाय करने के लिए हेल्प करता है। वो जब घर आ रहा था तो एक गाड़ी ने उसे कट मारा। इस गाड़ी के नंबर प्लेट पर फ्लैश लिखा हुआ है। वो घर पहुंचा और जनरली इस टाइम पर उसकी वाइफ घर पर नहीं होती है। उसने जो भी सब गिफ्ट्स लाए थे ये सब उसने घर में उसे सरप्राइज करने के लिए रख दिए। वो रिलैक्स कर रहा था तभी उसने नोटिस किया कि उसकी वाइफ का पर्स तो यही है। उसने फिर एशली को कॉल लगाया तो कॉल की रिंग उसे ऊपर से आ रही थी। वो देखने के लिए जब ऊपर जाता है तो उसे दिखता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। डायरेक्टली उसने घर में जो गन्स रखी थी ये उठा लेता है। उसे थॉट आता है कि ऊपर जाकर इन दोनों को मार डाले, पर ऐसा वो नहीं करता। अपना गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ी सी वो ड्रिंक लेता है। जरा शांत हो जाने के बाद वो ऊपर आता है। जब एशली सैमुअल को नोटिस करती है तो वो और उसका लवर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। सैमुअल के हाथ में गन है तो उन दोनों को यही रुकने के लिए वो कहता है। जिस आदमी के साथ वो इंटीमेट हो रही थी उसका नाम डेमियन है। डेमियन कहता है कि यहाँ जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है, पर तुम्हें वायलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सैमुअल नहीं मानता और इन्हें बैठने के लिए कहता है। वो एशली से कहता हैप्पी एनिवर्सरी, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, घंटों तक काम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे अब कुछ आंसर्स चाहिए। वो क्लॉक में टाइम लगाता है, कहता है जब तक ये क्लॉक टिक कर रही है तब तक तुम सही हो। अगर ये क्लॉक बंद पड़ गई और मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं मिले तो तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। डेमियन से पूछता है कि कब से तुम मेरी वाइफ के साथ हो। डेमियन कहता है कि 6 वीक्स। सैमुअल बोलता है 6 वीक्स से तुम मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहे हो। डेमियन कहता है कि ऐसा नहीं है, हम एक दो बार ही एक दूसरे से मिले हैं। सैमुअल गुस्सा हो जाता है, तुम मेरे घर में मेरे वाइफ के साथ सो रहे थे। उसे पूछता है कि तुम मिले कैसे थे। डेमियन कहता है कि हम ऑनलाइन मिले थे। एशली रो रही है, उसे बहुत ही बुरा लग रहा है सैमुअल को यह सब पता चल गया। सैमुअल से कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने बहुत बुरी चीज़ की है। सैमुअल को फिर याद आता है एशली जब ऑनलाइन किसी से बात कर रही थी तो उसने नोटिस किया था। एशली ने कहा था कि स्कूल फ्रेंड से मैं बात कर रही हूँ और वो एक्चुअल में डेमियन से बात कर रही थी। सैमुअल फिर नोटिस करता है कि डेमियन के हाथ में एक रिंग है। उसे पूछता है या तुम मैरिड हो। डेमियन कहता है कि हाँ। वो पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे हैं। डेमियन कहता है कि मुझे एक लड़का है और उसे अब बेटी होने वाली है। सैमुअल कहता है कि अब मैरिड होना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, राइट? तुम दोनों में बात आगे कैसी बढ़ी? डेमियन कहता है हम दोनों एक दूसरे से चैट करते थे, वो एक दूसरे को जान गए और इसके बाद उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। सैमुअल डेमियन से पूछता है मेरी वाइफ के साथ होकर तुम्हें कैसा लगा? वो इस पर आंसर नहीं करता। अब सैमुअल चाहता है कि एशली और डेमियन ये उसके सामने ही इंटीमेट हो। एशली कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, ये बात हम दोनों के बीच में है, हम इसे सुलझा सकते हैं। सैमुअल मानता नहीं और उसके पास गन है, इसी वजह से एशली और डेमियन को उसके सामने इंटीमेट होना पड़ता है। एशली को उसके मोबाइल पर उसके बॉस का कॉल आया। ये कॉल सैमुअल उठाता है और कहता है कि आज एशली उसके काम पर नहीं आएगी, घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो यही वो सॉर्ट करेगी। ये हो जाने के बाद सैमुअल कहता है
ये जो सिचुएशन है ये मैंने एक मूवी में देखी थी। एक आदमी टैक्सी में अपने घर तक आता है पर वो रॉन्ग बिल्डिंग में पहुंच जाता है। यहाँ पर विंडो में अपनी वाइफ को देख सकता था। मूवी में वो आदमी कह रहा था कि वो किस तरह से अपनी वाइफ को मारेगा। सैमुअल कहता है कि मुझे भी अब वैसे ही लग रहा है, मैंने मेरी लाइफ में किसी भी औरत को हर्ट नहीं किया है, मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, पर इस सिचुएशन में तुम दोनों ने मुझे डाल दिया है, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा। सैमुअल फिर डेमियन के बारे में और कुछ जानना चाहता है। उसका वॉलेट चेक करता है तो इसमें एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ड्स है, अनयूजुअल अमाउंट ऑफ पैसे भी उसमें है। सैमुअल पूछता है कि तुमने इतने पैसे क्यों लाए हैं, या तुम एशली को पे कर रहे थे? और उसका यह शक सही था। एशली उसे कहती है कि मैं पैसों के लिए नहीं कर रही थी, पर आज मुझे पैसों की जरूरत थी। सैमुअल पूछता है कि तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत है, तुम्हें जो भी चाहिए होता है ये सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। एशली कहती है तुम्हें मैं गिटार गिफ्ट करने वाली थी, हमेशा हमारे पास पैसों का प्रॉब्लम होता है तो इसीलिए मैं उससे लोन ले रही थी, मेरा प्लान था कि मैं उससे पैसे वापस कर दूंगी। वो उससे कहती है मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। सैमुअल को डेमियन के बारे में पता चलता है कि वो एयरफोर्स में था। सैमुअल को भी एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी पर उसका कोई कनेक्शन नहीं था, इसी वजह से वो कर नहीं पाया। डेमियन कहता है मुझे तुम छोड़ दो, मेरे बहुत सारे कनेक्शन है, तुम अब भी यंग हो, तुम अभी भी पायलट बन सकते हो। सैमुअल कहता है इतनी जल्दी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। सैमुअल डेमियन से कहता है कि तुम लोगों को तो निकनेम दिए जाते थे, तुम्हारा निकनेम क्या था? डेमियन कहता है कि मुझे फ्लैश बुलाया करते थे, वही नाम है जो अर्लियर हमने गाड़ी की नंबर प्लेट पर देखा था। सैमुअल फिर पूछता है तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? डेमियन कहता है कि जासमिन। सैमुअल पूछता है तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? डेमियन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो खुद प्रॉब्लमेटिक है, अपने मेंटल हेल्थ को लेकर हमेशा स्ट्रगल करता है। सैमुअल पूछता है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चला तो तुम क्या करोगे? डेमियन कहता है कि वो समझ जाएगी, पास्ट में भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसने मुझे साथ दिया है। डेमियन सैमुअल को समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है जो भी है ये प्रॉब्लम तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच में है, इसी वजह से तुम्हारी वाइफ ने तुम पर चीट किया, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, तुम दोनों इस पर बात करो और कोई वे निकालो। इस तरीके की चीज़ें लाइफ में होती रहती है, तुम इससे मूव ऑन कर सकते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। सैमुअल मानता नहीं, डेमियन कहता है कि एक बार मुझे मार डालो या मुझे जाने दो, तुम मुझे इस तरह से नहीं रख सकते। सैमुअल कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डेमियन को भी बहुत बुरा लगता है, उसने रूम में सैमुअल की बाइबल नोटिस की थी, कहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरी मदर मुझे चर्च ले जाया करती थी, बाइबल में लिखा है कि तुम्हें किसी से भी रिवेंज नहीं लेना चाहिए, अगर तुम रिवेंज लेते चले गए तो कभी भी ये खत्म नहीं होगा। सैमुअल कहता है कि ये रिवेंज नहीं है, अगर मुझे रिवेंज लेना होता तुम्हारे घर में जाता और तुम्हारी वाइफ के साथ इंटीमेट होता, पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये जो सब चल रहा है ये जस्टिस है। सैमुअल कहता है बाइबल में ये भी लिखा है किसी की और की वाइफ के साथ इंटीमेट नहीं होना है, अगर कोई आदमी ये करता है तो उसे डेथ की सजा होनी चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ यही सब गॉड भी चाहता है, अब जब भी मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूँ तो मुझे तुम ही दिखते हो, इसकी सजा क्या होगी? इसकी सजा डेथ ही है। डेमियन बोलता है तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हो, आजकल सब लोगों का पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे सिर्फ एक कॉल लगाने दो और शाम तक तुम्हें सब कुछ वैसे मिल जाएंगे। सैमुअल अब भी नहीं मानता। डेमियन के पास दो फोन है, एक फोन वो सिर्फ अफेयर्स करने के लिए रखता है। सैमुअल जब डेमियन के फोन में एशली का नंबर सर्च करता है तो एज अ प्रोस्टिट्यूट ही उसने सेव किया है। सैमुअल एशली से कहता है देखा वो तुम्हें क्या समझता है। डेमियन सैमुअल से कहता है हम दोनों कोई अलग अलग नहीं है, जब पहली बार तुम भी एशली से मिले थे तो मैरिड थी। सैमुअल उस पर गुस्सा हो जाता है, इसे ये कैसे बातें पता चली? सैमुअल कहता है एशली का हस्बैंड उसे मारता था, ये अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी, मैंने उसे बचाया था, हम दोनों सेम नहीं है। डेमियन कहता है जो समझना है तुम समझ लो। सैमुअल कहता है मेरे फादर कहा करते थे कि आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, एशली ने उस पर चीट किया तो ये बात अब सही निकली है, वो बहुत ही हर्ट है। डेमियन से पूछता है तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? डेमियन भी अब गिव अप कर चुका है, वो ट्रूथ बता देता है, वो कहता है क्योंकि मैं कर सकता था, मैं पावरफुल हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सैमुअल इस पर और भी चिढ़ जाता है, कहता है कि तुम लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं इन्हें लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, हम जैसे वीक लोगों का तुम एडवांटेज लेते हो। एशली और डेमियन ये दोनों एक ही सिटी के हैं,
डेमेन उसे समझाता है कि मैं हमेशा से रिच नहीं था, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। सैमुअल को फिर उसकी कोवर्कर लोला का कॉल आया। वो लंच ब्रेक में बाहर गया था। सैमुअल बहुत टाइम तक वापस नहीं आया तो वो वरी कर रही है। सैमुअल कहता है घर पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो बाद में आएगा। अब वो फिर से डेमियन से बात करता है, कहता है अब तुम्हारी वाइफ को तुम कॉल लगाओ, उसे सब कुछ बताओ कि किस सिचुएशन में तुम हो। डेमियन वाइफ को कॉल लगाता है और उसे सब कुछ बताता है। उसकी वाइफ रोने लगती है, पूछती है क्या तुम उसे प्यार करते हो। डेमियन कहता है कि नहीं, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता हूँ। इसके बाद फिर सैमुअल डेमियन की वाइफ से बात करता है, कहता है कि अब ये जो सब सिचुएशन है इसमें मैं डेमियन को मार सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये फोन स्पीकर पर था तो डेमियन की वाइफ कहती है मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। सैमुअल और वो बात करते हैं और इन्होंने कुछ प्लान बनाया है। अब थोड़ी देर में डेमियन की वाइफ जैस्मिन वहाँ आ जाती है। डेमियन को लगता है कि उसे बचाने के लिए वहाँ आई हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे पनिश करने के लिए उसके सामने ही सैमुअल के साथ इंटीमेट होती है। जितना हर्ट सैमुअल और जैस्मिन को हुआ था यही हर्ट वो डेमियन और एशली को भी देखना चाहते हैं। ये उनके सामने इंटीमेट होते हैं और इसके बाद जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। जाते जाते कहती है कि तुम इसके साथ कुछ भी करो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सैमुअल अब एशली से कहता है कि अब कैसा लग रहा है। एशली रोने लगती है, कहती है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं था। एशली कहती है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं कभी भी किसी के साथ फेथफुल नहीं थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सैमुअल फिर कहता है एक रिवॉल्वर लो और डेमियन को मार डालो, तुमने अगर उसे मार दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा, हम पुलिस को कहेंगे कि हमारे घर में वो घुस आया था, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तुमने उसे मार डाला, हमारे पास बैकयार्ड भी है वहाँ भी हम उसे गाड़ सकते हैं। एशली फिर ज़्यादा कुछ सोचती नहीं और डेमियन पर गन लगाती है। वो उसे मार ही डालने वाली थी पर सैमुअल उसे गन ले लेता है। सैमुअल डेमियन से कहता है कि देखा यहाँ क्या चल रहा है। एशली फिर खुद को एक्सप्लेन करती है, कहती है जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर एक बहुत ही घटिया आदमी थे, वो हार्ड वर्किंग थे पर उन्हें कभी भी प्रमोशन नहीं मिलता था, वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड होने लग गए थे। एक बार उन्हें काम था तो उनके बॉस मुझे स्कूल में लेने के लिए आए। स्कूल से घर जाते वक्त एक लॉन्ग राइड थी तो वहाँ मैं सो गई, जब मेरी आँख खुली तो मेरे फादर के बॉस मुझे टच कर रहे थे, उसके बाद मेरे फादर का प्रमोशन हो गया, ऐसा चलता ही रहा। मैंने मेरे फादर को कहा पर उन्होंने मुझे झूठी कहा, वो कहते थे कि जब तक मेरे बॉस खुश है तब तक सब सही है। एशली अपने फादर से प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए जो भी हो रहा था ये उसने होने दिया। फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई। फादर के बॉस को लगा कि वो बहुत ही बड़े ट्रबल में है, उसने कुछ पैसे एशली को दे दिए और उसके बाद वो कभी भी उससे नहीं मिला। सैमुअल को भी ये सुनकर बुरा लगता है, कहता है कि हम सब लोग रॉटन हैं, हम में से कोई भी सही नहीं है। अब वो कहता है कि हम सब ने गलतियाँ की है, अब हम गॉड पर छोड़ देंगे कि हमारे साथ क्या होगा। वो एक गोली लेता है और रिवॉल्वर में डालता है, इसमें 6 राउंड है और एक एक कर कर सैमुअल गोली चलाने वाला है। अब किस पर गोली चलेगी ये किसी को भी पता नहीं है, हमें सिर्फ गोली चलने का आवाज़ आता है और स्क्रीन डार्क होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैमुअल की कोवर्कर लोला उसके घर पर उसे देखने के लिए आती है। डोर कोई भी खोलता नहीं तो बाहर से ही चली जाती है, या उसने सैमुअल की ड्रग नोटिस की थी, उसे पता चला कि सैमुअल घर पर ही है। इसके बाद घर में हम देखते हैं कि सैमुअल एशली के साथ है और नीचे डेमियन की बॉडी पड़ी हुई है, उसने फिर बैकयार्ड में डेमियन की बॉडी गाड़ दी है। एशली उसके साथ थी और ये सब देख रही थी। अगले सेकंड में उसे रियलाइज हुआ कि एशली उसके साथ नहीं है। एशली का स्कार भी हम इस बैकयार्ड में देख सकते हैं, यानी कि उसने जो बॉडीज गाड़ी है इसमें एशली और डेमियन ये दोनों थे। मूवी के फर्स्ट में ही जब उसने सोचा था कि एशली और डेमियन को मार डाले तभी उसने उन दोनों को मार डाला था। नीचे आकर वो बैठ गया और सब चीज़ें इमेजिन करने लग गया। एशली ने ऐसा उसके साथ क्यों किया इसका कुछ रैशनलाइजेशन चाहता था। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा है कि सैमुअल एक फ्लाइट अटेंडेंट को उसकी परचेस करने में हेल्प करता है, उसने डेमियन को यही प्रोफेशन दे दिया। डेमियन का निकनेम उसने फ्लैश दिया, ये उसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखा था जिसने उसे कट किया था। अपनी स्टोरी में एशली ने अपने फादर का बॉस का नाम लिया था, सैमुअल के बॉस का नाम भी वही है। सैमुअल का बॉस भी उसके फ्रेंड लोला के साथ इंटीमेट होना चाहता है,
वही स्टोरी उसने एशली के कैरेक्टर को भी लगा दिया। उसने डेमियन और एशली को मार डाला। मूवी में हमने देखा कि लोला ने नोटिस किया है कि सैमुअल घर पर ही था। इसके बाद शायद उसे जेल हो जाएगी। इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ आज की हमारी मूवी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा।